जीतने वालों को मेरा सलाम, क्योंकि एक दिन हर कोई जीतेगा। डॉक्टर जो डिस्पेंसा कहते हैं कि कैलिफोर्निया की पाश्चात्य संस्कृति में मैं विचित्र नौजवान था। एक्सीडेंट से पहले मैं हर दिन 3 घंटे योग करता और उससे पहले मैं मार्शल आर्ट्स करता था। साथ में डॉक्टर जो सबकॉन्शियस माइंड के बारे में सालों से पढ़ते आ रहे थे। वे कहते हैं कि मुझे 20 साल की छोटी उम्र से इस बात का एहसास होने लगा था कि जो भी दुनिया हम देख रहे हैं वो सब इमेजिनेशन है, ये सब हमारे मानसिक चित्रों की बनाई हुई दुनिया है। डॉक्टर जो कहते हैं कि 1986 के उस एक्सीडेंट के बाद मेरा विश्वास दृढ़ता में बदल गया। हुआ ये कि मैं साइकिल चला रहा था ट्रायथलॉन रेस में, तब सनसनाती हुई एसयूवी ने पीछे से टक्कर मारी। मैं 15 फीट ऊपर उछला, फिर काफी तेजी से पीठ के बल नीचे गिरा। गिरने में इतना फोर्स था कि मेरी स्पाइनल कॉर्ड के कुछ हिस्से पापड़ की तरह पिचक गए। डॉक्टर्स ने कह दिया था कि आपके पास सर्जरी के अलावा कोई चारा नहीं है और शायद इसके बाद भी आपकी जिंदगी व्हीलचेयर पर ही गुजरे। डॉक्टर जो कहते हैं कि अगर कोई और होता तो मैं उसे खुद कायरोप्रैक्टर होने के नाते सर्जरी की सलाह देता, लेकिन मैंने निश्चय किया कि मैं सर्जरी नहीं कराऊंगा। मेरा मानना था कि हमारे अंदर एक इंटेलिजेंस है जो इस शरीर को बनाती और चलाती है। मुझे मन की शक्ति पर भरोसा था, लेकिन मैं ये नहीं जानता था कि ये किस हद तक काम कर सकती है। डॉक्टर जो कहते हैं कि ये वो समय था जब मेरी जिंदगी एक जगह पर आकर रुक गई थी। चोट के कारण मैं बिस्तर पर पूरे दिन उल्टे लेटे रहता, पीठ और शरीर का बड़ा हिस्सा सुन्न था। मुझे नहीं पता था कि मैं कैसे ठीक होऊंगा, लेकिन मेरे पास एक रफ प्लान था। मैंने निश्चय किया कि मैं एक स्वस्थ स्पाइन की क्लियर पिक्चर अपने दिमाग में बनाऊंगा और उसे हायर इंटेलिजेंस यानी सबकॉन्शियस माइंड को समर्पित कर दूंगा। मैंने 6 हफ्ते ऐसा करने की कोशिश की। आंख बंद करके देखा कि मैं एक छोटा सा मेसन या कारीगर हूँ और एक कलाकार की तरह सीमेंट से विशाल और स्वस्थ स्पाइन का निर्माण करता जा रहा हूँ। डॉक्टर जो कहते हैं कि एक अड़चन थी, ऐसा करने में मुझे घंटों लग रहे थे। मेरा ध्यान और कल्पना बार बार टूट रही थी क्योंकि मेरा मन एक जगह टिक नहीं रहा था। मन में बार बार संदेह उठते थे कि अगर पूरी जिंदगी व्हीलचेयर पर निकली तो मेरे करियर का क्या होगा, क्या मुझे अपना घर और क्लिनिक बेचना पड़ेगा। डॉक्टर जो कहते हैं कि ये हालात बिगड़ते चले गए, क्योंकि जब आप संकट में होते हो तो छिपे हुए डर सामने आ जाते हैं। आप उन बातों के बारे में सोचते रहते हो जो आप होने नहीं देना चाहते। लेकिन किसी तरह डॉक्टर जो ने अभ्यास जारी रखा। वे कहते हैं कि 6-6.5 हफ्तों में कुछ हुआ, अचानक नेगेटिव विचार आना कम हो गए। जो विजुलाइजेशन प्रैक्टिस करने में मुझे 3-4 घंटे लगते थे वो मैं 45 मिनट में करने लगा। शरीर बड़ी तेजी से रिकवर होने लगा। मैंने देखा कि जो भी मैं अपने मन में कल्पना कर रहा हूँ, जो भी विचार और भावना को बार बार महसूस कर रहा हूँ, उसका सीधा असर शरीर पे हो रहा था। शरीर के सुन्न हिस्से काम करने लगे। उस समय मैंने निश्चय किया कि अगर मैं दोबारा खड़ा हो सका तो जो भी मैं सीख रहा हूँ और खोज रहा हूँ उसको जानने और सीखने में अपना जीवन लगा दूंगा। 10वें हफ्ते मैं चलने फिरने लगा और 12वें हफ्ते में दर्द कम हो गया। मैं ऑफिस जाने लगा। डॉक्टर जो कहते हैं कि उसके बाद आज तक स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ा कोई दर्द मुझे नहीं हुआ। उसके बाद मैंने रिसर्च करना शुरू कर दी कि ये मेरे साथ हुआ कैसे। डॉक्टर जो ने माइंड बॉडी कनेक्शंस के बारे में पढ़ना शुरू किया और पाया कि मेडिकल साइंस में इस पर ज़्यादा रिसर्च नहीं है। फिर डॉक्टर जो ने एपिजेनेटिक्स, न्यूरोप्लास्टिसिटी और क्वांटम मॉडल ऑफ रियलिटी के बारे में जानना शुरू किया। डॉक्टर जो ने ऐसे कई लोगों के साथ इंटरव्यू लिए जिन्होंने बढ़ती हुई बीमारियों और तकलीफों से अचानक और अप्रत्याशित रूप से छुटकारा पाया। डॉक्टर जो कहते हैं कि इन लोगों में हमने 4 कॉमन फैक्टर्स पाए। पहला, हायर इंटेलिजेंस। ये लोग मानते थे कि शरीर और मन से बढ़कर कोई इंटेलिजेंस है जिससे ये लोग जुड़े हुए हैं। ये इंटेलिजेंस उनकी हीलिंग और इम्प्रूवमेंट में सहायक है। कोई उसे गॉड कहता है, कोई सबकॉन्शियस माइंड, कोई यूनिवर्स। दूसरी बात है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अटेंशन। किसी ना किसी लेवल पर ये लोग मानते थे कि जो भी बीमारी या हालात है किसी ना किसी रूप में वे खुद इसके लिए जिम्मेदार हैं। जैसे एक महिला के पति एक्सीडेंट में गुजर गए जिसका दोष वो खुद को देती रही। अगले 10 साल उन्होंने ग्लानी और स्ट्रेस में अपना समय निकाला जिस कारण उनके पूरे शरीर में छाले हो गए और स्किन कैंसर जैसे लक्षण दिखने लगे। जब उस महिला को एहसास हुआ कि इन सब के पीछे मेरे नेगेटिव विचार और स्ट्रेस का हाथ है,
तो वे सचेत हो गईं। उन्होंने बेकाम के विचारों की साइकिल और ओवरथिंकिंग को बदलना शुरू किया। डॉक्टर जो कहते हैं कि यह बहुत कठिन काम है, क्योंकि मन का दूसरा नाम ही मूवमेंट है। हमारा ध्यान इधर से उधर होता रहता है। आपको अपनी सोच के बारे में सचेत होना पड़ता है और अपने विचार, इमोशंस और बिहेवियर्स की जिम्मेदारी लेनी पड़ती है। ये इन लोगों ने कैसे किया, यही अगला कॉमन फैक्टर भी है। अपनी परेशानी और शिकायतों में जीने की बजाय ये लोग सोचने लगे कि अगर किसी तरह मुझे नया जीवन बनाने का मौका मिले तो मैं किस तरह का इंसान बनना चाहूँगा, मैं किस तरह की भावना महसूस करना चाहूँगा, मेरा स्वभाव कैसा होगा। न्यूरोसाइंस में एक कंसेप्ट है मेंटल रिहर्सल। जब आप पूरी एकाग्रता के साथ आंखें बंद करके एक्शन को प्लान करते हो, या किसी इमोशन या फीलिंग को अपने अंदर महसूस करते हो, या अपने भविष्य को देखते हो, अगर इस समय आप पूरी तरह फोकस्ड हैं, तो आपका दिमाग अंतर नहीं कर पाएगा कि मेंटल इमेज कौन सी है और असलियत में क्या हो रहा है। यानी जो भी मेंटल इमेजेस आप बनाते हो, इसे दिमाग असलियत के रूप में अनुभव करता है, जिससे नए न्यूरल कनेक्शंस बनते हैं, यानी आपके दिमाग की न्यूरल वायरिंग बदलती है। ये दिमाग के बदलाव वो प्लेटफॉर्म है जहाँ से बदलाव आना शुरू होते हैं। आप अपनी पुरानी मानसिक आदतों और इमोशन की साइकिल से बाहर निकल सकते हो। जब ऐसा हुआ तो ये लोग बिना किसी बात के शांति, आनंद और ग्रेटिट्यूड महसूस करने लगे। यानी इनकी खुशी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट पर निर्भर नहीं करती थी। ये लोग खुद परेशानियों के बावजूद, यानी बदलाव आने से पहले ही, उसके रिजल्ट यानी शांति, संतुष्टि, धन्यवाद और आनंद को महसूस करने लगे। डॉक्टर जो कहते हैं कि ग्रेटिट्यूड इज द अल्टीमेट स्टेट ऑफ रिसीविंग। जब आपको अंदर से खुशी और शांति महसूस होती है, तो शरीर और मन को संदेश जाता है कि आप अपनी परेशानी से, अपनी लिमिटेशन से मुक्त हो चुके हो, और मन और शरीर उसी तरह का बर्ताव करने लगता है। लोग पूरे उत्साह से अपने लक्ष्य के प्रति काम करने लगते हैं। दोस्तों, इस स्क्रिप्ट को समराइज करने के लिए मैंने इसे कई बार पढ़ा और कुछ गहरी बातें मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। समरी में पहला पॉइंट है, अटेंशन इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब आप स्वीकार करते हो कि जी हाँ, मेरी जिम्मेदारी है, मैं किन विचारों और इमोशंस पर ध्यान दे रहा हूँ, तब ये जिम्मेदारी शक्ति में बदल जाती है। मैं जीवन के जिस आयाम पर ध्यान लगाऊंगा वो बढ़ता जाएगा। ये एहसास होना हमारे माइंड को प्रोग्राम करने की पहली सीढ़ी है। दूसरा पॉइंट है, इमोशंस एंड एक्सपीरियंस। सकारात्मक भावनाएं महसूस करना, अपने गोल से इमोशनली जुड़ना, वो स्थिति है जहाँ से बदलाव आना शुरू होते हैं। हमारा दिमाग मेंटल इमेजेस और रियलिटी में अंतर नहीं कर सकता। हम जो भी पूरे फोकस से विजुलाइज करते हैं, जो भी फीलिंग्स हम अपने शरीर में बार बार महसूस करते हैं, दिमाग सच में वैसा प्रोग्राम होने लगता है। न्यूरल वायरिंग में बदलाव साबित करते हैं कि मेंटल रिहर्सल और विजुलाइजेशन काम करते हैं। तीसरा पॉइंट है, डाउट, वरी एंड पास्ट। जब भी आप पास्ट फीलिंग से निकलने की कोशिश करते हो, तो सेल्फ डाउट और चिंताएं अनेक रूप में परेशान करते हैं, क्योंकि मन नहीं चाहता आप इसकी परछाई से बाहर निकलो और स्वयं का असीमित रूप पहचानो। इसलिए आपके पास कुछ ना कुछ अभ्यास होना जरूरी है, जैसे विजुलाइजेशन, मेडिटेशन, ब्रीदिंग प्रैक्टिस, राइटिंग वगैरह, जिसके सहारे आप इस ज्वार भाटे में डटे रहो। अगला पॉइंट है, साइंस ऑफ सक्सेस। संकट का मतलब है अपने मन पर काबू ना होना। जब हम दुखी होते हैं तो कुछ विचार हमको बार बार परेशान करते रहते हैं। इसका दूसरा पहलू भी है, फेलियर्स को पर्सनली नहीं लेते, चिंताओं को अगर अपने सीने से चिपकाए नहीं रहते, बुरे वक्त में हमारी एनर्जी नहीं गिरती, हम असहाय महसूस नहीं करते, तो आप निकट भविष्य में जरूर सफल होंगे। क्योंकि सफलता कुछ नहीं, बस आपके मेंटल स्टेट यानी सबकॉन्शियस माइंड का रिफ्लेक्शन है। जैसा आप इस समय महसूस कर रहे हो, वैसा आपका वर्तमान बनता जा रहा है। अपने सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करने का एक और बहुत प्रैक्टिकल तरीका है इंटेंशन सेटिंग, जिसके अभ्यास के लिए आपको एक्स्ट्रा समय खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, अगर आपके पास समय हो तो ये वीडियो अभी देखिए या बाद के लिए सेव कर लीजिए। आपके समय से कोई वीडियो, कोई ऐप, कोई न्यूज़ कीमती नहीं है। मैं काम के किस्से लाता रहूँगा। हिम्मत, हरकत, होशियारी, हम जीतेंगे।